हे फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। ये टॉपिक है ताश, ताश का जादू। प्लेइंग कार्ड्स के मैजिक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने देखा होगा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आप कभी अपनी जिंदगी में कभी भी लाइव परफॉर्मेंस शायद आपने देखा होगा। तो ताश के जादू के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें कोई भी हाथ की सफाई नहीं है, कहीं इसमें चीटिंग नहीं करी जाएगी। अगर आप सोचोगे कि आप इसे सीख पाओ तो आप बिल्कुल इसे सीख सकते हो। इसलिए स्टे हियर, फिक्स योर आईज एंड वॉच केयरफुली। ये जो मैं मैजिक दिखाने जा रहा हूं, इसमें बिल्कुल भी हाथ की सफाई नहीं है, कोई भी चीटिंग आपसे नहीं करी जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट सेलेक्ट 24 कार्ड्स। आपके पास 24 कार्ड्स होने चाहिए। 24 कार्ड्स का ये जादू है, ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ये जादू वर्क करेगा। पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा मैजिक ये कैसे हो रहा है। ये कैलकुलेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आप इसे मैजिक बोल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट इसमें कोई भी हाथ की सफाई नहीं है। इसमें क्या करना होगा, आपने पिक करे हुए हैं 24 कार्ड्स, आपके पास 24 कार्ड्स हैं, ओनली 24 कार्ड्स, राइट। इसमें से एक कार्ड आप सेलेक्ट करते हो, रैंडमली कोई भी कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने लिया हुआ है दहला लिया हुआ है, ये डायमंड का दहला है, ठीक है। इसे आप ईटा भी बोलते हो, ठीक है, ईट है, ठीक है, ईट है ये, ठीक है, दहला। अब आपको क्या करना है, इस कार्ड को आप इन बिटवीन इन कार्ड्स के बीच में रखोगे। आप कोशिश करोगे कि ये दोनों पार्ट लगभग हाफ हाफ हो, आप बिल्कुल बीच में इसे रखने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको इसे 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है। और ये चेक करना है कि किस पाइल में, पाइल नंबर 1, 2, 3, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, किसमें वो कार्ड आ रहा है, ठीक है। वो लास्ट में भी मैं चेक करूंगा, जब पूरा कार्ड बन जाएगा तब आपको बताना रहता है कि किस हीप के अंदर, किस पाइल के अंदर वो कार्ड है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा पाइल है जिसके अंदर वो कार्ड है, ठीक है। इसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, जो एकदम राइट में आपका पाइल है उसको आप एकदम नीचे रखोगे, और उसके बाद आप जो बचा हुआ है सबसे ऊपर रखोगे। ये आपको 3 बार करना है, एक बार मैं कर चुका हूं, दोबारा मैं करता हूं। इस बार जो दहला है इसमें गया हुआ है, ठीक है, ईट का दहला है, डायमंड जिसे आप कहते हो, इसमें गया। लास्ट ये सबसे नीचे रहेगा, इसके बाद बीच में ये रहेगा, तीसरे नंबर पे सबसे ऊपर ये रहेगा। अगेन एक बार और हमें करना है अभी। ठीक है, इस बार अगेन जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया था वो इसके इसमें है, इस वाले पाइल में, पाइल नंबर 1 में है। सबसे नीचे आप रखोगे, सबसे लास्ट वाला, सबसे राइट वाला, आपने इसको नीचे रखा, इसके बाद यहां पे रखा। अब मैं आपको दिखाता हूं बिना कुछ किए, कुछ नहीं करूंगा, बिना कुछ किए, बिना किसी हाथ की सफाई के मैं आपको दिखाता हूं कि वो कार्ड जो आपने चूज किया हुआ था वो आपके सामने है। देखिए देखिए, यही कार्ड आपने सेलेक्ट किया था, यही कार्ड आपके सामने, मैंने यही कार्ड सेलेक्ट किया हुआ था। ये डायमंड है और ये जिसे आप बोल सकते हो ईट का दहला, ठीक है, ये कार्ड आपके सामने है। अब इसका ट्यूटोरियल समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 24 कार्ड्स लिया हुआ, ठीक है। इस 24 कार्ड्स में से एक कार्ड आप कोई सेलेक्ट करते हो, ठीक है, कोई भी कार्ड सेलेक्ट करते हो। इसको कोशिश करते हो आपकी हमेशा जो है लगभग बीच में आए, ठीक है, पूरे पैक के अंदर ये सबसे बीच में आए, ठीक है। 24 कार्ड हम इसको क्या करते हैं, 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस 3 बार चलता है। इस बार हमने जैक लिया था, हुकुम का जैक लिया था, ये यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहां पे, यहां पे, पाइल नंबर 1 पे। इसको आपको सबसे नीचे रखना, पाइल नंबर 1 बीच में रख दो और ये आपका ऊपर रहेगा। एक बार और करो, अगेन कार्ड यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे लास्ट में,
सबसे राइट में, सबसे नीचे रखो आप, इसको बीच में रखो और ये आपका आ जाएगा ऊपर। एक बार और आपको करना है, ये तीन बार ये प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस है, तीन बार करना है। अगेन ये कार्ड यहां बीच में आ रहा है, ठीक है, आपने यहां लास्ट में रखा, इसको आपने बिल्कुल बीच में रखा और ये आपका सबसे ऊपर है। यहां पे एक ट्रिक है जो आपको जानना जरूरी है, एक कैलकुलेशन है वो आपको जानना जरूरी है। मेरे पास कार्ड्स कितने हैं, 24, ठीक है। अब इसमें से जो मैं कार्ड सेलेक्ट करने जा रहा हूं, जो आपका फाइनल आपको बताएगा कि कौन सा कार्ड आपने पहले चूज किया हुआ है, उसके लिए आपको जो कार्ड सेलेक्ट करना है वो है 24 कार्ड्स हैं, 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 का आधा होता है 12, 12, ठीक है, 12 प्लस 1, 13 कार्ड, 13वां कार्ड होगा जो आपका सेलेक्टेड कार्ड होगा, जो आपने शुरू में चूज किया था। 4, 8, 12, 13, ठीक है। आपको 13 कार्ड हमेशा जो है इसमें से बाद में निकालने रहेंगे, आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा, इसमें कोई फंड बट नहीं है। इसको आप जो है कुछ अलग नंबर ऑफ कार्ड्स पे भी इसको आप जो है कर सकते हो, सेम ऑपरेशन चलेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं आप 21 कार्ड्स पे भी इसे कर सकते हो, वहां पे जो पाइल बनेगा तीन भाग में जो आप डिवाइड करते हो, तो 7 कार्ड्स होगा, ऑपरेशन सेम होगा। जिसमें आपका कार्ड है, सिलेक्टेड कार्ड है, उसको आप हमेशा बीच में रखोगे। लेकिन जब एट लास्ट तीन बार आपने जब पूरा कर लिया, तो एट लास्ट जब आप जो है कार्ड आप निकालोगे, ठीक है, जो कैलकुलेशन इसमें होगी, क्योंकि यहां पे 21 कार्ड है, तो जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको 11th कार्ड निकालना रहेगा रादर देन 13। आपको 13वां कार्ड नहीं निकालना है, 11th कार्ड, 11वां कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशन पे आप चलो, मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। 24 कार्ड थे, 3 कार्ड्स मैंने हटा दिए, अभी आपके पास 21 कार्ड बचे हुए हैं, ठीक है। कोई एक कार्ड आप इस पे चूज कर लो, ठीक है। हमने लिया हुआ है डायमंड का दुक्की लिया हुआ है, ठीक है, ये ईटा का दुक्की है, ईटे की दुक्की, ठीक है। कोशिश करके इसको आप बिल्कुल बीच में रखिए, लगभग आप इसको बीच में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने रख दिया। तीन बार आप शफल करके देख लीजिए, इस वाले में आपका कार्ड है, ठीक है, ये सबसे राइट में सबसे नीचे रहेगा। एक बार और करता हूं, फिर एक बार और करना होगा मुझे, इस वाले में है कार्ड, ये इसमें है, ठीक है। आप इसको बीच में रखोगे, ये आपका सबसे नीचे रहेगा। एक बार और करते हैं, इस बार जो कार्ड आपका है बिल्कुल बीच वाले पाइल में है, इसमें है, ठीक है, ये सबसे नीचे जाएगा, ये आएगा बीच में, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। मैंने तीन बार इसको कर लिया, पूरा का पूरा ऑपरेशन तीन बार कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट वाले जब 24 कार्ड था तो मैंने 13 कार्ड निकाला था, ठीक है। अब आपको जो चूज करना है वो 13th नहीं, आपको 11th कार्ड, ठीक है, रादर देन 13th कार्ड यू हैव टू पिक 11th कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही कार्ड मैंने चूज किया था, ये कार्ड आपके सामने, ठीक है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस में कुछ ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कोई भी सजेशन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।